हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो यहाँ आ गई हूँ मैं, मेरा फर्स्ट तीज का, हरतालिका तीज का जो व्रत है उसकी शुरुआत है। ये नहाए खाए वाला दिन है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आटा का हलवा, जिसमें मैंने सबसे पहले डाला था घी और उसके बाद मैंने तुरंत ही ठीक आटा डाल दिया और उसको मैं अच्छे तरीके से कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। और ये देखिए कलर भी चेंज हो गए हैं। और इसके साथ साथ मैं दूसरा भी जो रेसिपी है ना, वो सारा मैं कुकिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ, बिकॉज़ हस्बैंड को जाना है ऑफिस और मॉर्निंग का टाइम है। ये मैंने स्नान वगैरह कर लिया था, पूजा पाठ वगैरह कर लिया था और यहाँ मैं सब्ज़ी भी साथ में बना रही हूँ। और एक में मैंने पानी गर्म गर्म पानी के लिए चढ़ाया हुआ है। यहाँ आटा का हलवा बना रही हूँ मैं, पूरा ही कलर चेंज हो गया यहाँ दिखाई दे रहा। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर चीनी। हमारे नहाए खाए में सबसे पहले स्टार्ट होता है हलवा से ही, पहला दिन हमें हलवा खाना ही पड़ता है। उसके बाद आप कोई भी रेसिपी ले ले और पूरा ही हमारा लहसुन और प्याज के बिना खाना का स्टार्ट हो जाता है। तो मॉर्निंग का स्टार्ट हमारा कुछ ऐसा ही होता है। आप लोगों को वहाँ पे कैसा होता है, सबका अलग अलग नियम होता है। तो यहाँ मैंने हस्बैंड को दे दिया है ब्रेकफास्ट, इस तरह से है कुछ क्योंकि उनको ऑफिस जाना है, लेट भी हो रहे थे और मृगांक स्कूल जा चुका था। तो ये उनका खाना हो गया है कंप्लीट, ये जा रहे हैं ऑफिस सजना जी। और इनके ऑफिस जाने के बाद ही अब मेरा भी होगा स्टार्ट नहाए खाए का दिन। और ये मैं ऊपर से इनका वीडियो ले रही थी, कौन कौन अपने पति को इस तरह से बाय बोलते हैं ये भी कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं एवरीडे करती हूँ, इवन करना भी चाहिए, ये बहुत अच्छा होता है, शुभ भी होता है। और ये मैं अपना भी ब्रेकफास्ट लेकर के बैठ रही हूँ। ये मैंने भी सब्जी लिया है, रोटी लिया है, हलवा लिया है और चाय। भाई चाय तो बनता है, चाय के बिना नहीं चलेगा। सारा हरासमेंट जो रहता है ना सुबह से, जो थकान रहती है, वो मेरी चाय ही निकालती है क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। और ये यहाँ पर मैं अपना नहाए खाए का दिन का शुरुआत कर चुकी हूँ। और एक क्लिप मैंने ज़रूर ऐड किया है, वो ये है। ये मेरा ऐड करने का एक ही मकसद था कि मेरे बेटे ने इसको बनाया है, जो कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ 4.5 साल का है। तो कैसा लगा वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।